अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं मदीना शरीफ से मक्का मुकरमा, और मक्का मुकरमा में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अली भी रेडी हो गया, अली को हमने आज जुब्बा पहनाया है, अब्दुल्ला भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी शेडी हो गया हूँ, और सिर्फ हम तीनों ही जा रहे हैं, असल लोग भी नहीं जा रहे, हमजा भी नहीं जा रहा। और चलते हैं फटाफट से, सामान भी हमारा रेडी हो गया और हम लोगों को टैक्सी भी पकड़नी पड़ेगी, और इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होटल से हम टैक्सी स्टॉप पे आए, टैक्सी हम लोगों ने करवा ली है। टैक्सी भाई हमारी बड़ी लेवल की कार है, हैवेल की, और ये हमसे ले रहे हैं 100 रियाल पर पर्सन मदीना टू मक्का, मतलब अली फ्री है और मेरे 100 रियाल, अब्दुल्ला के 100 रियाल, टोटल 200 रियाल। चलो चलो सामान रखो 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 भाई, सामान रखो। और ये हमारी टैक्सी बुक हो गई भाई। एक तो इन अरबियों की कुछ समझ भी नहीं आती है। ओए होए भाई, बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, अंदर आके सुकून मिल गया। टैक्सी में तो हम लोग बैठ गए, लेकिन सीन ऐसा, जब तक टैक्सी फुल नहीं होगी तो टैक्सी ड्राइवर यहाँ से नहीं जाएगा, और अगर हम लोग अपनी पर्सनल टैक्सी करवाते तो उसका रेंट है 500 रियाल, मतलब पाकिस्तानी 50,000 रुपये तकरीबन बनते हैं। तो भाई हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही टैक्सी फुल होगी, एक बंदा ही रह गया, एक तो भाई बैठ गए श्रीलंकन। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? इज़ फ्रॉम श्रीलंका, यू आर फ्रॉम श्रीलंका? वाह वाह माशाल्लाह। टैक्सी हमारी फुल हो गई है, मैं पीछे शिफ्ट हो गया हूँ, और हमारा मदीना शरीफ से मक्का मुकरमा का सफ़र भी स्टार्ट हो गया। सुभानअल्लाह। रास्ते में ड्राइवर ने एक मस्जिद के पास गाड़ी रोकी थी, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी जहर की नमाज़ अदा की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, नमाज़ हम लोगों ने अदा कर ली है। और भाई बहुत सख्त गर्मी हो रही है, कार हमारी सामने खड़ी हुई है, चलते हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। आपको कहा था अली को, मैंने कहा था टोपी ले लो, अपनी कैप ले लो, नहीं पहनी थी ना, गंजा जल रहा होगा अली का सही वाला। चलो चलो बैठो बैठो बैठो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे जाओ। कार में बैठ के भाई सुकून मिल जाता, बाहर तो बहुत शदीद गर्मी है। अली और अब्दुल्ला तो मस्त हो गए सो रहे हैं, अली को तो भाई गाड़ी में बैठते ही नींद आ जाती है, नींद तो मुझे भी आ रही है। और भाई हमारे पाकिस्तान में जो गाड़ी है वो 120 पे मोटरवे वगैरह पे चलती है, और यहाँ पे 145 पे चल रही है, और गाड़ी सुन हो के चल रही है, पता भी नहीं चल रहा। और मदीना टू मक्का रास्ते में सारे सहरा ही सहरा हैं, और दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। और उस दिन जब हम लोग बस में आए थे तो हम लोगों को करीब 6 से 7 घंटे लगे थे, अब देखते हैं भाई कार में हम लोगों को कितनी देर लगती है। वैसे 4 घंटे का रास्ता है, तकरीबन 400 किलोमीटर है मक्का टू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्का मुकरमा हरम शरीफ पहुंच गए, हम लोगों को तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लगे हैं मदीना शरीफ से मक्का मुकरमा पहुंचने में। अली और अब्दुल्ला गाड़ी में सो गए थे, मुझे भी नींद आ रही थी, मैं भी गाड़ी में सो गया था। यहाँ मक्का मुकरमा यहाँ के मेरी आँख खुली है, और तकरीबन अभी 4:30 हो रहे हैं, असर की अजानें भी हो चुकी हैं, असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो असर की नमाज़ पढ़ते हैं फिर मिलते हैं। असर की नमाज़ अदा कर लिए, पाकिस्तान से मेरे एक और भी दोस्त आए हैं, सल्लू भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। और ये हैं भाई रशीद भाई, खातमैन हरम शरीफ, क्या हाल चाल है रशीद भाई? ठीक हैं आप? ये हमें यहाँ पे मिले। और सल्लू भाई क्या हाल चाल है? ठीक हो? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच रशीद भाई। और इस बच्चे के बारे में क्या चाह रहे हैं? स्माइल बड़ी खूबसूरत है भाई। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी तो थोड़ी देर में मगरिब की नमाज का टाइम होने वाला है, हम लोग इशा की नमाज के बाद कहाँ जाने वाले हैं? मक्का टावर, क्लॉक टावर जाने वाले हैं हम लोग। मैंने आप लोगों को कहा था इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लॉक टावर जरूर जाएंगे, तो आज रात को इंशाल्लाह इशा की नमाज के बाद हम लोग क्लॉक टावर जाएंगे, और रशीद भाई से मिलके तो भाई दिल खुश हो गया, रास्ता भी नजदीक है ना वहाँ से ऊपर जाने का। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत यकीन करें मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे। अल्लाह सलामत रखे आपको, थैंक यू सो मच। और जो ये अपने दर पे बुलाए अल्लाह इंशाल्लाह, और ये जो लोग देख रहे हैं सबके लिए आप थोड़ी दुआ दे दें इंशाल्लाह, आप सबको भी अल्लाह ताला नसीब करे। मजे की चीज, जो रशीद भाई की सही उम्र गेस करेगा उसके लिए आपकी तरफ से एक सरप्राइज है। जी जी बिल्कुल भाई, इनकी उम्र गेस करें। एज मेरी? जी जी बिल्कुल। और ये पाकिस्तान लाहौर से? बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, और अल्लाह सलामत रखे। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहे, आबाद।
थैंक यू सो मच। मगरिब की अजानें हो गई थी, हम लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की है। अली का भाई बुरा हाल हुआ है भूख से। ओए वो देखो यार रास्ता रुक गया है, नाटक मत करो, खड़े हो जाओ अली। अली को भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सारी पब्लिक के बीच में गिर गया, लोग देख रहे हैं भाई अली को क्या हो गया, यहाँ पे भी नाटक कर रहे हैं यार, ये भी बोल रहे हैं भाई यहाँ पे तो एक्टिंग नहीं करो, लेकिन अली को असली में भाई कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिंग की, मैं रेहानों के साथ बेहोश हो गए भाई। अली को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो पहले अभी अली को हम लोग कुछ खिला पिला देते हैं। यहाँ से हम लोग आ गए फूड कोर्ट में, यहाँ पे हम लोगों को एक देसी रेस्टोरेंट मिला है। यहाँ पे सीख रोटियाँ भी हैं, कबाब भी हैं और चिकन पीसीज हैं, सिंपल राइस हैं, मंदी है, बिरयानी भी, अरे भाई यहाँ तो, और यहाँ पे मटन पीसीज भी हैं, उसके अलावा आई थिंक लज़ानिया है और सब्ज़ी है, दाल भी है। क्या दिल कर रहा है ली, आपने क्या खाना है देख लो? मंदी, चलो मंदी ले लेते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हम लोगों ने, यहाँ जब से हम लोग आए ना आई थिंक एक या दो दफ़ा ही हम लोगों ने मंदी खाई है, तो आज हम लोग फिर से मंदी खाते हैं। मंदी हम लोगों ने ले ली है, लेकिन हम लोगों ने सिंपल राइस में मंदी ली है, वाइट कलर के राइस हैं, और साथ में हमें चटनी मिली है, तो कुलजा सिमसिम चटनी डालते हैं थोड़ी सी और तोड़ते हैं बोटी, और ये बनाया नवाला उस दिन डिश खा दिए जो था पे। ओ खाओ रे, मज़ा आ गया भाई, तो खाते हैं फटाफट से अपना रात का खाना। इशा की नमाज अदा कर ली है, सल्लू भाई भी आ गए, रशीद भाई भी फ्री होके आ गए। क्या हाल है रशीद भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम लोग जाने लगे हैं क्लॉक टावर के सबसे ऊपर, इंशाल्लाह रेडी हैं, फिर आ जाओ अली, आ जाओ अली भाई। क्लॉक टावर में आ गए, वो भाई लिफ्ट मुझे छोड़ के जा रही है, रुक जा भाई लिफ्ट में आ गए, और भाई यहाँ की तो लिफ्ट भी बहुत बड़ी है। हम लोग आ गए क्लॉक टावर के लास्ट फ्लोर पे, ये है P11 और बड़ा ही फिट बना हुआ है भाई ये तो। चलो आ जाओ अली, अली को हम चांद पे लेके जा रहे हैं, अली जाके अभी अभी अली जाके नमाज पढ़ेगा चांद पे जाके। भाई सबसे ऊपर आ गए और यहाँ पे भी शॉप्स वगैरह बनी हुई है, और ये क्लॉक टावर का लास्ट फ्लोर है, इससे ऊपर घड़ी लगी है, इससे ऊपर और कोई फ्लोर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए स्वीट रूम में, और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बहुत ही ज़बरदस्त रूम बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है ना। और अभी हम लोगों को रशीद भाई पर्दा हटा के विंडो का दिखाने वाले हैं खाने काबा का व्यू। 3, 2, 1 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई ये टॉप फ्लोर है, इससे ऊपर कोई और फ्लोर नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे आयत लिखी हुई है, और थैंक यू सो मच रशीद भाई, थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला आपको बार बार यहाँ पे आने नसीब करे। आमीन आमीन। माशाल्लाह भाई देखो पूरे खाने काबा का व्यू आ रहा है भाई, दिल कर रहा है यहाँ से खाने काबा को देखते ही जाएं देखते ही जाएं। और अली तो भाई बैठ गए हैं यहाँ विंडो के पास, और यहाँ से भाई लोग छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं, नीचे देख रहे हैं तो भाई डर भी लग रहा है, क्योंकि ये शीशा है बस, अगर ये शीशा हट जाए तो हम लोग डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे। अली आपको डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह भाई खाना काबा का व्यू आ रहा है, दिल कर रहा है भाई, मेरा तो दिल कर रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा नेक्स्ट टाइम हम लोग आए तो हम लोग इंशाल्लाह क्लॉक टावर में ही रूम लेंगे इंशाल्लाह। वो देखो वो सफा मरवा है जी, सफा मरवा भी नजर आ रही है, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाय पैदाइश वाली जगह घर है ना, जहाँ पे पैदा हुए थे जी, वो जो वो घर बना हुआ है ना, हाँ, वो पीला सा पीला, वो लाइटें देगा, ज़ूम करें जी, वो सामने हमाम है, अबू जाहिल हमाम है उनके, वो सामने उधर करके जी जी जी, वो पहाड़ी नीचे जी, वो घर है माशाल्लाह। देखें और वो देखें, वो जगह जो है वो कब्रिस्तान है जहाँ पे जिंदा बच्चियों को दफन किया जाता था। अच्छा वो जो जगह, हाँ, जाहिलियत के दौर में ना, अच्छा वो वाली जहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोनों तरफ सड़कें रोड नजर आ रहे हैं, दोनों तरफ रोड है और बीच में वो कब्रिस्तान है। बिल्कुल रशीद भाई बता रहे हैं, जो पुराने जमाने में आप लोगों ने भी सुना होगा कि लेडीज को, औरतों को, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, तो वो सामने कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान में जिंदा दफन कर देते थे भाई छोटी बच्चियों को। अल्लाह माशाल्लाह भाई, दिन के टाइम आप आते ना जी, मैं आपको
पूरे मक्के का विजिट करवाता यहीं से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप मिल गए ना सुबह के टाइम भी आएंगे। गारे हीरा गारे सोर हर जगह नजर आती है यहाँ से, पूरा गारे हीरा भी यहाँ से नजर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गारे हीरा गए थे ना वहाँ से क्लॉक टावर नजर आ रहा था। जाएंगे इंशाल्लाह हम तो भाई दो दफा गए थे क्योंकि आप लोगों ने व्लॉग में तो देखो मैं 20 मिनट में चढ़ा था ये तो मोबाइल छोड़ गए थे इसलिए। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह यकीन माने दुनिया का सबसे प्यारा दुनिया का सबसे प्यारा व्यू भाई यहाँ से। दुनिया की सारी दौलत पड़ी हुई है एक तरफ ये हो। माशाल्लाह यार दिल भाई दिल ही नहीं कर रहा कि हम लोग यहाँ से हटे यार और मेरे पास अल्फाज ही नहीं मैं क्या बोलूँ भाई क्या बोलूँ अली। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन नज़ारा है। अली का तो भाई दिल ही नहीं भर रहा कभी इस पर्दे के पीछे जा रहा है कभी उस पर्दे के पीछे छुप रहा है भाई। जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा भाई हम लोगों ने बुक नहीं करवाया हम लोग सिर्फ विजिट करने के लिए आए थे फिर बुक करवाएंगे आओ। अली का तो भाई जाने का दिल ही नहीं कर रहा तो किसी का नहीं चाह रहा मेरे भाई लेकिन क्या हमारा भी दिल नहीं चाह रहा जब गरीब से देखे दोबारा हमारा भी नहीं चाह रहा। माशाल्लाह भाई हमारा दिल कर रहा बस देखते रहे देखते रहे। चलो भाई मैं भी बैठ जाता हूँ उधर। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई नीचे खाना कब और लोग तवाफ कर रहे हैं जी बिल्कुल ख्वाब देख रहे हैं। ये देखो अली के काम देखो भाई माशाल्लाह भाई हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। थैंक यू सो मच अल्लाह ताला जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं भाई मैं बहुत बहुत कम है वो। चलो आ जाओ भाई अब अली को ना मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ेगा कौन से पर्दे के पीछे अभी है अली भाई मैं यहाँ आता हूँ ना फिर मेरा दिल करता है कि मैं देखूँ खाना काबा को। माशाल्लाह माशाल्लाह अली 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 अरे कहाँ गायब हो गया अली अली तो गुम हो गया अली कहाँ गया अली अली किधर छू गया अच्छी है ना अली मुझे लगता है इस साइड आ गया इस साइड आ गया अली ढूंढो ढूंढो रशीद भाई अली को इस साइड है अली और भाई माशाल्लाह इस साइड से भी खाना काबा का व्यू आ रहा है यार यार चढ़े अली अली भाई अली हम लोग जा रहे हैं छोड़ के कहाँ चला गया अली और आवाज आई उधर ये भाई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है ढूंढना पड़ेगा मिल गया अली आ जाओ ये तो हमारे साथ यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रहे हैं यहाँ तो नहीं अंदर यार अली आ जाओ बाहर ये रहा मिल गया मिल गया। चलो 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 चलते हैं बस चलो भाई अब हम लोग वापस जा रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल्ला नहीं आ सका था और एक और दोस्त भी थे सल्लू भाई के वो भी नहीं आ सके थे क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इशू था इस वजह से हम लोग उनको नहीं ला सके। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे रूम जहाँ से होगा हमारे प्यारे अनिल भाई का डायरेक्ट आवा व्यू इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलते हैं भाई फटाफट से अब्दुल्ला अभी हमारा नीचे वेट कर रहा होगा। अब्दुल्ला लोग हमारा नीचे खड़े होकर वेट कर रहे थे अब्दुल्ला को हम लोगों ने कर लिया पिक। अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं जा सका भाई इतनी दूर से अब्दुल्ला को लेके आए थे। कोई नहीं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यार हम लोग बुक करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर अब्दुल्ला को भी साथ लेके जाएंगे। और अभी हम लोग आए स्टारबक्स भाई स्टारबक्स का तो बहुत नाम सुना है और अली नहीं अली ने तो आके छेड़छाड़ भी शुरू कर दिए तो आज हम लोग पियेंगे स्टारबक्स से कॉफ़ी। और भाई यहाँ का मेन्यू चेक करते हैं ओए होए होए भाई केक्स वगैरह भी हैं यहाँ पर डिज़र्ट भी है देखते हैं भाई कॉफ़ी मैंने सुना है यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होती है। ये क्या चीज़ है किचन किचन स्टारबक्स किचन कॉफ़ी लेंगे तो किचन फ्री है। कॉफ़ी हम लोगों ने ऑर्डर कर दी थी कॉफ़ीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं और भाई हम लोगों ने साथ में एक रेड वेलवेट केक भी लिया तो अब टेस्ट करके ही पता चलेगा कि स्टारबक्स की कॉफ़ी कैसी होती है। चलो अब्दुल्ला उठाओ अली कहाँ गया अली आपने पीनी थी ना स्टारबक्स की कॉफ़ी ये लो रेडी है लेके चलो ट्रे पकड़ो गिर जाएगी ट्रे यार फ़ोन रख दिया कॉफ़ी के चक्कर में फ़ोन चला जाएगा भाई। चलो आ जाओ कॉफ़ी हम लोग लेके आ गए हैं भाई अब कॉफ़ी टेस्ट करते हैं कैसी अली अली भाई रशीद भाई के हाथ से खाओ
कैसा है केक? मज़े का। यम्मी। अब भाई कॉफ़ी भी टेस्ट करते हैं कि कॉफ़ी कैसी है। नाम तो हमने बहुत सुना है स्टारबक्स का, इसके अंदर ज़ोर से मारना पड़ेगा। वही मिक्स कर लें थोड़ी पहले। अब मज़ा आएगा केक के साथ रशीद भाई के हाथ से। भाई केक भी बड़े लेवल का है, कॉफ़ी तो भाई थोड़ी कड़वी कड़वी है। करो टेस्ट। ठीक है बस, कॉफ़ी शॉफी पी के हम लोग आ गए रूम में। हमें यहाँ पे मिले हैं सल्लू भाई के दोस्त हैं पीर साहब, और ये बहुत बड़े नात ख्वाब हैं, तो हम इनसे नात सुनेंगे। पहले इनका तारुफ करवा दें सल्लू भाई। माशाल्लाह, इनका नाम पीर वकास नक्शबंदी साहब है, इस्लामाबाद वाक एंड में होते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी, और ऐसी बाबरकत जगह पे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनसे कलाम ना सुने। तो पीर साहब चंद अल्फाज। जी जी पीर साहब, ज़रूर सुनाइए अपना कलाम। अनस भाई की फरमाइश पे मैं एक दो शेर पढ़ देता हूँ। जी जी बिल्कुल। रख ले वो मुझे दर पे जो दरबान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह, फिर क्या मैंने सुल्तान वगैरह। आका की चटाई की तो वो शान है वल्ला, आका की शान है वल्ला। अरे बस नाम के हैं तख्ते ये शाहान वगैरह, बस नाम के हैं तख्ते ये शाहान वगैरह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, माशाल्लाह मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त कलाम सुना है, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आपकी आवाज़ है। और भाई अभी एडिटिंग भी करनी है, बहुत सारा काम शाम भी कंप्लीट करना, सुबह से हम लोग निकले हुए थे, तो बस इस व्लॉग को भी यहीं से एंड करते हैं। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।